भी मैं इसके ऊपर पराठा डाल देती हूँ। तो समोग ने बहुत इन्वायरमेंट को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और अल्लाह से दुआ है आप लोग जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कराते रहें। और जी ये है सुबह का टाइम और मेरी सुबह जो है वो हो रही है झाड़ू लगाने से। और हम ख़वातीन की तो ज़िंदगी बस इसी झाड़ू पोंछे में ही बसर हो जाती है। और इसी तरह झाड़ू सफाइयाँ करते करते एक ना एक दिन हमारी ज़िंदगी का भी सफाया हो जाता है। तो बेहतर यह है कि हम झाड़ू पोंछे के साथ साथ अपने आप को भी, अपना भी झाड़ू पोंछा करते रहें, अपने आप को इग्नोर ना करें। हम जो ख़वातीन होती हैं ना, वो ज़्यादातर वक्त अपने घर को देती हैं, अपने घर को संवारने में ये वो। तो बेहतर ये है कि मेरी बहनों, हमें अपने आप को भी संवारने पे वक्त खर्च करना चाहिए, ना कि ये चीज़ें भी बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, सो इम्पॉर्टेंट, बट हमें अपने आप पे भी भरपूर तवज्जो देनी चाहिए अपनी हर लिहाज से। तो जी यहाँ पे सबसे पहले जो मेरी सुबह का आगाज़ था वो था जी सफाई करने से, घर को नीट एंड क्लीन करने से। सबसे पहले मैंने उठ के लगाया झाड़ू और उसके बाद मैंने किया नाश्ता। और आगे चल के जी मैं नाश्ते की जो रूटीन है वो भी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। ये देखें जी माशाल्लाह से सारा सेहन मैंने साफ़ कर लिया है। बस अभी वो जो जहाँ पे टैब लगी हुई है, खुरा सा जिसे कहते हैं, वो साफ़ करना है। तो अभी मैं उसे साफ़ कर लेती हूँ। माशाल्लाह से कितना खूबसूरत लग रहा है, नीट एंड क्लीन हर चीज़। चलें जी मैं आज आपको खूबसूरत सी अपनी बेल भी दिखाती हूँ। ये देखें माशाल्लाह से झाड़ू मैंने लगा लिया है, सेहन बिल्कुल साफ कर दिया है। और अभी मैं कर लेती हूँ दूध बॉयल। गैस आ गई है दूसरे वाले, तो इस चूल्हे को मैं रखती हूँ नीचे और दूध बॉयल कर लेती हूँ।
हस्बैंड तो जा चुके हैं ड्यूटी पे और मेरी सास ने उनको नाश्ता करवा दिया था, बस अब मैं अपना बनाने लगी हूँ। तो सबसे पहले मैं ना इस तरह इसका पेड़ा बना के रख लेती हूँ, क्योंकि आटा थोड़ा ठंडा है तो इस वजह से ना थोड़ी मुश्किल होगी। अच्छा फ्रेंड्स, आज मैं नाश्ता करने लगी हूँ साग के साथ, और साग के साथ जो नाश्ता है वो मेरा मोस्ट फेवरेट नाश्ता है। पराठा और साग मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। किस किस को ये वाला नाश्ता पसंद है? आई थिंक सब ही पसंद करते होंगे। ये एक बहुत ही नेचुरल सी चीज़ है, मतलब साग और पराठा हर इंसान को अच्छा लगता है। तो यहाँ पे जी अब मैं बना लेती हूँ सबसे पहले पराठा, और उसके बाद फिर मैं कर लूँगी गरम साग। माशाल्लाह से तवा गरम हो चुका है और अभी मैं इसके ऊपर पराठा डाल देती हूँ। पराठा मेरा बन चुका है और मैं तवे पे ही साग गरम करने लगी हूँ। सो सिंपल मेथड। तो जी इस तरह मैं साग गरम करके फिर नाश्ता करके जी फिर बनाती हूँ चाय, और फिर मिलते हैं जी। ये देखें फ्रेंड्स, तितली आई हुई है माशाल्लाह से मेरे पौधों पे। मैं आगे जाके आपको दिखाती हूँ, अल्लाह करे कहीं उड़ ना जाए। ये देखें, ओह उड़ गई, भाग गई। फ्रेंड्स आजकल तो स्मोग ने बहुत इन्वायरमेंट को पोल्यूटेड किया हुआ है, बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है इन्वायरमेंट में। पता नहीं किस तरह का दौर आ गया है, ज़माना आ गया है, अल्लाह माफ़ करे, नई से नई बीमारियां जन्म ले रही हैं और लोग खुद अपने साथ कर रहे हैं। ये देखें, ये सारा जो आपको ऊपर पोल्यूशन नज़र आ रही है, ये जो धान की फसल है ना उसको काटने की वजह से है। तो लोगों को पता भी है कि ये चीज़ इस चीज़ का सोर्स बनती है, फेफड़ों की मुख्तलिफ बीमारियाँ लगती हैं। तो फिर भी भाई इंसान खुद ही अपने साथ कर रहा है, क्या कह सकते हैं। और माशाल्लाह से मैंने फ़र्श भी धो दिया है, पानी भी लगा दिया है पौधों को, और ये देखें नीट एंड क्लीन हर चीज़ को मैंने कर दिया है। माशाल्लाह से घर बहुत साफ़ सुथरा लग रहा है, ये देखें।